जीवन बीमा की बात करते हैं। जीवन बीमा लेना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें भी हम आपको कहते हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्योर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जो आपके पास है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक दिक्कत ये आती हुई देखी है कि जिन लोगों को गंभीर बीमारियाँ हैं, मान लीजिए आपको हार्ट ट्रबल की बीमारी है या कैंसर किसी को हो गया है या होकर वो ठीक हो चुके हैं, डायबिटीज जैसी बीमारी हो गई या और भी तरह की कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उन लोगों को जीवन बीमा मिलना बहुत मुश्किल हो गया। और यहाँ पर मैं टर्म प्लान का भी जिक्र करूँगी, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा प्रीमियम देने को भी तैयार है तब भी इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हैं आपको कवर नहीं देती हैं, यहाँ तक कि आपको राइडर भी नहीं देती हैं। वैसे देखा जाए तो गंभीर बीमारी के लिए अपने आपको कवर कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जीवन बीमा है और अगर आप कोई गंभीर बीमारी का कवर लेना चाहते हैं, क्रिटिकल इलनेस का कोई कवर लेना चाहते हैं, राइडर लेना चाहते हैं, तो क्या कंपनियाँ वो कवर देने से आपको मना कर सकती हैं? कर सकती हैं तो किन ग्राउंड्स पर कर सकती हैं, किस बिना पे कर सकती हैं, अगर दे रही हैं तो कितना ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकती हैं, ये तमाम बारीकियां हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ अमजद खान आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर से जुड़ गए हैं। अमजद, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। तो टर्म प्लान का महत्व दर्शकों को पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर जो क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने का महत्व है वो थोड़ा सा समझा दीजिए, उसके बाद हम इस पहलू पर आएंगे जहाँ पर हम ये बताएंगे दर्शकों को कि किस तरह की गंभीर बीमारियों पर कब और कैसे मिलता है। तो कितना ज़रूरी है जीवन बीमा या टर्म इंश्योरेंस प्लान पे क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेना या कवर लेना? रविता, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। क्रिटिकल इलनेस, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ही रिलेवेंट कवरेज है जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो। और यूजली होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस आइडली कस्टमर्स को एट अ यंग एज ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज तब आपकी प्राइसिंग भी बहुत डिफरेंट होती है और रिस्क असेसमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी करती है वो भी बहुत अलग होती है। सो क्रिटिकल इलनेस राइडर्स बेसिकली आपको वो सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करेंगे जो गंभीर बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, वो सारी बीमारियां इस सब में कवर हो जाती हैं अगर आपने वो राइडर ले रखा है सही टाइम पे, जो आपने पॉलिसी ली है। तो उस राइडर के दरमियान अगर कोई क्लेम आता है, मान लीजिए कैंसर क्लेम है या कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज का कोई क्लेम है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लमसम प्रोवाइड करती है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और हालांकि क्रिटिकल इलनेस राइडर अगर आपने स्टार्ट में नहीं लिया है और बाद में आप लेना चाहते हैं, तो दैट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी से उसको प्राइसिंग उनका कंप्लीटली चेंज हो जाता है। दे विल फ्रेश तरीके से वो रिस्क को असेस करेंगे और तब आपको दे विल डिसाइड whether आपको क्रिटिकल इलनेस एक्सटेंड करना है। ऑलराइट, अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा गंभीर बीमारी की परिभाषा पर बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम बड़ी बीमारियों की बात कर रहे हैं जिनका इलाज शायद होना नामुमकिन है, या अगर बड़ी मुश्किल से इलाज हो भी गया है तो आगे रिलैप्स होने की आशंकाएं रहती हैं। क्या क्या गंभीर बीमारियों की डेफिनेशन में अगर मैं अमजद जाऊँ तो क्या क्या आता है? सो बेसिकली क्रिटिकल इलनेस में जो मेजर बीमारियाँ हैं, फर्स्ट वुड बी कैंसर, दूसरा होगा हार्ट रिलेटेड इश्यूज, तो दिस वुड बी द मेजर क्रिटिकल इलनेस विच विल कम अंडर दैट कंपोनेंट। और हालांकि इंश्योरेंस कंपनी तो पहले डायबिटीज हो या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो या हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी पॉलिसी देने से डिनाई करती थी, बट मोटा मोटी मेजर बीमारियां हैं हार्ट रिलेटेड और आपके कैंसर। अब ऐसे में मुझे ये बताएं कि अगर आपने पहले ये कवर ले लिया तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो खुशी खुशी दे देंगी अमजद। अब केसेस पर किस बिना पर इंश्योरेंस कंपनियां मना कर सकती हैं आपको जीवन बीमा पर या टर्म इंश्योरेंस पर गंभीर बीमारी का राइडर देने से? सो इंश्योरेंस कंपनी जब भी एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट बेस जो होता है वो होता है आपका एक हेल्थ चेकअप। जब आपका हेल्थ चेकअप होता है तो उसमें आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, डिपेंडिंग ऑन विच जिसके आधार पर आपको पॉलिसी इशू होती है। नाउ अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी ही इशू करने से डिनाई कर सकती है, बट अगर आप लोअर रिस्क कैटेगरी में आते हो तो आपको पॉलिसी तो जरूर मिलेंगी बट कुछ कंडीशंस होंगे जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी भी रखेगी, और राइडर्स मिलना तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए द रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि जितनी जल्दी आप ले सकते हो, जितनी जल्दी अर्लियर एज पे आप ले सकते हो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उतनी जल्दी एज पे लेना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पर अगर किसी को बीमारी हो चुकी है तभी भी उनको मिलेगा कवर, राइट?
अगर यस तो 2019 से पहले तक तो अगर आपको डायबिटीज है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई ब्लड प्रेशर है तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको पॉलिसी देने से डिनाई करती थी, बट अब दो दो कंपनीज हैं एटलीस्ट 2019 में ये पॉलिसी लॉन्च हुई है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, और आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी ये पॉलिसी इश्यू करती, जहां पे वो उन ग्राहकों को जिनकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और इनफैक्ट कैंसर सर्वाइवर्स को भी आप पॉलिसी इशू कर सकते हो। बट आपका सम इंश्योर्ड क्या होगा और वेटिंग पीरियड, ये दूसरी चीज, ये दो चीजों का राइट इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखती है, बिकॉज दे आपका रिस्क असेस करने के बाद दे हैव द राइट टू डिसाइड कि आपका सम इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, और आपका अगर वेटिंग पीरियड लगाना है किसी बीमारी को लेके ताकि दोबारा कोई क्लेम ना आए उस बीमारी को लेके, तो वो एक वेटिंग पीरियड लगाते हैं जो 3 से लेके 18 महीने या 3 साल तक भी हो सकता है। हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतों को क्या कवर नहीं किया जाता अगर किसी की ऑलरेडी हो चुकी है तो? We can repeat that? दिल की बीमारियां अगर किसी को हो चुकी हैं तब आपको नहीं मिलेगा राइडर? So, वही मैं कह रहा था, दिल की बीमारियां जो भी हैं आपकी कैटेगरी, अगर आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हो, जैसे कि अगर आपको हार्ट अटैक ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने का वेटिंग पीरियड लगा के आपको पॉलिसी दे सकती है। और इसमें प्रीमियम इस तरह की पॉलिसीज़ में कितना बढ़ जाएगा? सो प्रीमियम नॉर्मली वुड बी वेरी हाई, काफी काफी ज्यादा होगा अगर आप कंपेयर टू हेल्थ हेल्दी प्रॉस्पेक्ट के कंपैरिजन में आप देखेंगे, तो यहाँ पे एटलीस्ट प्रीमियम 2 to 3 times के आसपास हो सकता है, लगभग 65,000 रुपये से लेके 1.25 लाख रुपये पर पर ईयर का प्रीमियम हो सकता है 1 करोड़ के सम इंश्योरेंस के लिए। एक बार अगर किसी ने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेने के लिए अलग से चेकअप कराना पड़ता है? मोस्ट केसेस में अगर आपकी आपकी एज 35 के ऊपर है और आपने क्रिटिकल इलनेस नहीं लिया है तो आपको शायद वापस एक हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा, बट अगर आप 35 से पहले राइडर ले रहे हैं तो हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं होगी, पुराने हेल्थ चेकअप पे ही इशू हो जाएगा, बट उसका एडिशनल प्रीमियम जरूर लगेगा। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास ऑलरेडी एक जीवन बीमा है, टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और उसके कुछ लेने के काफ़ी प्रीमियम भरने के बाद किसी को अगर क्रिटिकल इलनेस पता चलती है कि उन्हें हुई है, तो क्या कंपनियां वेटिंग पीरियड के साथ ही, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है तभी आपको इशू किया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि इशू करने की स्थिति में आ भी जाती हैं कंपनियाँ, तब भी क्या आपके प्रीमियम में कोई कमी नहीं की जाएगी क्योंकि आप उनके एक लंबे ग्राहक रहे हैं, आपने इतने सालों जो हैं उनसे एक टर्म इंश्योरेंस का कवर लिया है, वेटिंग पीरियड तो खैर बनता ही है उनका उसके तहत कवर करना, लेकिन प्रीमियम में कोई राहत फिर भी नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज आप इतने पुराने कस्टमर रहे हैं उनके? इसमें दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, एक तो एक प्रपोजल जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में चल रहा है वो ये है कि 7 साल अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो नो मैटर आपका क्लेम पेबल होगा, ये एक अलग कंपोनेंट है, बट जैसे आप बोल रहे हैं कि आप इफ यू हैव बीन अ कस्टमर, आप रह चुके हो काफी सालों से किसी इंश्योरेंस कंपनी में और आप अब एक क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेना चाहते हो, हालांकि जब स्पेशली जब आपको ऑलरेडी एक कोई बीमारी हो चुकी है तब इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम रिड्यूस करे वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ लॉन्जिविटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट येस वो राइडर जरूर देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी। और राइट, चलिए अमजद, बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला और इतने गंभीर विषय पर दर्शकों को जानकारी दी।